इस प्रश्न का जवाब मैं इतनी बार दे चुका हूं, कई लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि क्या एक महीना एग्जाम क्लियर करने के लिए काफी है। और मेरा आंसर हमेशा यही होता है बच्चों, मेरा आंसर हमेशा यही होता है। जैसे मेरे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने अगस्त में क्लासेस शुरू की दिसंबर के एग्जाम के लिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने में उन्होंने रिकॉर्डेड क्लासेस खत्म की हैं, नवंबर के महीने, नवंबर के 10 दिन भी उन्होंने रिकॉर्डेड खत्म किए हैं, और एक महीना बराबर 10 दिसंबर से 20 दिसंबर उन्होंने पढ़ाई की है, एग्जाम दिया एंड दे हैव क्लियर। सो बस आपको फोकस्ड रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, किसी भी नेगेटिव एलिमेंट को, ये जो एक महीने का पीरियड है ना, किसी भी नेगेटिव एलिमेंट को अपनी लाइफ में मत आने दीजिए। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि तेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, अगर आपसे कोई बोल रहा है कि यार तू पढ़ नहीं रहा है, अगर आपके मन से भी आवाज़ आ रही है ना कि पढ़ाई नहीं हो रही है, दूर हटा दो। सिर्फ 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 मुझे एक ही काम करना है, जस्ट आई नीड टू रीड 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 रीड, और कुछ नहीं करना है बच्चों। नेगेटिविटी से जितना ज्यादा दूर हो बच्चों, नेगेटिविटी से दूर रहें, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें। चाचा की शादी, मामा की शादी, सब्जी लेके आ जा बेटा, अरे तू तो हमारा राजा बेटा है, ये सारे चक्करों में हमें नहीं पड़ना है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ एक महीना बच्चों, ये एक महीना जो है आपकी लाइफ चेंज कर सकता है बच्चों। किसी ऐसे स्टूडेंट से मिलिए और जिसका एक ग्रुप या दोनों ग्रुप क्लियर हो गया एग्जीक्यूटिव का, आप उससे एक बार मिलके पूछिए कि यार बेटा तू एक बता दे कि एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद जो खुशी है वो कैसी होती है, और फिर आप उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखिए, जिस हिसाब से वो डिस्क्राइब करेगा ना कि यार मेरी लाइफ में वो सबसे बड़ी खुशी थी, तो उस खुशी के खातिर, उस खुशी के खातिर अभी एक महीना बच्चों, तन मन धन और समर्पण बच्चों, ये सब कुछ आपको सीएस कोर्स के प्रति लगाना है, और आप देखिए वंडरफुल रिजल्ट्स विल कम। सो डोंट आस्क दिस क्वेश्चन वेदर 1 month इज सफिशियंट, जस्ट टेल योरसेल्फ, अपने आप को ये बताइए कि एक महीना मेरे लिए मोर 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 देन इनफ है, और इस एक महीने में आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम, किसी भी कीमत पर मैं ये एग्जाम क्रैक करने वाला हूँ। सो अगर आपने ऐसा एटीट्यूड रखा, नेगेटिविटी से आप दूर रहे, और आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस वीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, संडे का एक दिन है, आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, आप वीक में एक दिन रिजर्व कर लीजिए राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे रिटेन नहीं हो रहा है, तो आप रीड कीजिए, अपने को रट्टा मारना ही नहीं है, वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, जस्ट वी नीड टू कीप रिवाइजिंग। तो अगर एक ऐसा माइंडसेट बनाकर हम लोगों ने मेहनत करी, तो नो वन हैज गट्स टू फेल अस बच्चों। देखिए बाकी चीजें अपने हाथ है, लेकिन मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि जिस दिन तक आपका रिजल्ट नहीं आता, आप उस दिन तक पास हैं। तो माइंडसेट हमेशा यही होना चाहिए दैट आई एम गोइंग टू क्रैक द एग्जाम। सर PPIRP का सारा प्रोसीजर याद रखना है? नहीं, PPIRP का सारा प्रोसीजर याद नहीं रखना है। यू जस्ट नीड टू रीड वो छोटी छोटी जो हेडिंग्स हैं कि PPIRP कितने दिन में कंप्लीट होनी चाहिए, क्या एग्जम्पशंस हैं, किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है PPIRP, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। आई एम श्योर कि एक महीना आप लोगों को बहुत सफिशियंट लगेगा अगर आप नेगेटिविटी से दूर रहे, यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम, आई एम वेरी श्योर। सो बस याद रखिए मोबाइल फोन जो है बच्चों, क्योंकि मोबाइल फोन में जब आपका कोई दोस्त स्टेटस डालता है कि आज मैंने 15 घंटे पढ़ाई की, तो आप उसको देख के डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आप IPL से अपने आप को दूर रखिए बच्चों। तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस अगर आप लाए ना, तो एक महीना मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन इनफ है। अगर आपने अभी क्लासेस कंप्लीट की हैं, अगर आप अभी से भी एक महीने का समर्पण अपने एग्जाम के लिए दे दें, कोई माइकल लाल नहीं है जो आपको पास होने से रोकेगा बच्चों। जस्ट यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ कि भाई एक चीज याद रखिए, व्हाट अ ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। जो चीज आप दिल से सोचते हैं, जो चीज आप चाहते हैं, वो चीज आप हासिल कर सकते हैं। सो जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन योरसेल्फ, यू नीड टू बिलीव ऑन योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू क्रैक। बच्चों क्रैक कर लोगे, टेंशन मत लो।